तमंशूर साहब, तहसीलदार सलीम साहब, सलीम साहब यहाँ खड़ा रहे थे, बीच में कोई मिस हो गया, और जितने भी गेस्ट यहाँ तशरीफ लाए हैं, आज एक बहुत ही ऑफिशियली हार्ड रॉक्स का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। इस मौके पे आप सब यहाँ तशरीफ लाए, आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मैं साथ ही साथ में जो है आप सबों से गुजारिश करता हूँ कि खादिम साहब के साथ जो है सब मिलके इस मौके को जो है हम क्या कहेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, यादगार बनाएं इस मौके को जो है, और इस गाड़ी का गुजार भी करें इंशाल्लाह ताला, जो लेने वाले कस्टमर्स हैं उनके लिए भी अच्छा और मेरे लिए भी अच्छा है। तो खादिम साहब और बाकी गेस्ट सबों से मैं गुजारिश करता हूँ कि प्लीज ये आपके सामने नया थार रॉक्स, टेक्नोलॉजी से भरपूर और सेफ्टी से भरपूर, फोर डोर टेस्ट ड्राइव जो है आप लोगों को इंशाल्लाह कल 11 बजे से फराहम होगी, और 3 तारीख के बाद, 3 अक्टूबर के बाद हम बुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, और होपफुली 15 अक्टूबर के बाद जो है इसका डिलीवरी भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके सामने ये टेस्ट ड्राइव व्हीकल है, और ये टॉप एंड गाड़ी है जिसमें बहुत कुछ है। हमारे सेल्स कंसल्टेंट्स जो है आपके साथ मुखातिब होंगे, उसके बाद कुछ भी जानना चाहें आप लोग जो है उनसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िया साहब शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हैं और ये मौका हमें मिल रहा है कि इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताएं आपको। ये प्रोडक्ट जो है थार रॉक्स करके लॉन्च हुई है, जो थार का एक न्यू वर्जन है, 5 सीटर और 5 डोर थार है, 5 सीटर प्लस 5 डोर थार। तो इसमें जो है आज की डेट का टेक्नोलॉजीज के हिसाब से जो है सबसे अपर टेक्नोलॉजी है, और अगर आप जो है सेफ्टी भी इसमें कंसिडर करें तो इस लेवल का सेफ्टी जो है इंडियन किसी गाड़ी में अभी तक नहीं आया है। तो ये गाड़ी जो है आज हमने 30th को जो है ऑफिशियली कारगिल में जो है इसका इनॉग्रेशन और लॉन्चिंग करी है, तो जिसमें आप सब तशरीफ लाए हैं। तो इंशाल्लाह ताला 3 अक्टूबर से इसका बुकिंग, ऑफिशियल बुकिंग स्टार्ट है, और 17 या 18 अक्टूबर से हम डिलीवरी स्टार्ट करेंगे। एक बेहतरीन गाड़ी जो थार रॉक्स के नाम से लॉन्च हो गई है करगिल में, बहुत बड़ी बात है। तो मैं व्हीकल एज का काफ़ी सराहना करता हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि सिर्फ थार बेचने के लिए नहीं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया है करगिल के अनएम्प्लॉयड यूथ को, ये एक वाहिद एक एंटरप्रेन्योर है यहाँ पे जिन्होंने काफ़ी 40-50 लोगों को यहाँ पे नौकरी की है। तो इसके लिए मैं काफ़ी इसको अप्रिशिएट करता हूँ। दूसरी बात, आपने कही जी गाड़ियों की जो बढ़ती हुई संख्या को लेके हम काफ़ी कंसर्न है, तो इसमें ट्रैफिक पुलिस का भी काफ़ी रोल है, वो हर जगह अवेयरनेस कैंप्स करते रहते हैं, और हमारे डिपार्टमेंट में भी इन्फोर्समेंट चेकिंग करते रहते हैं। तो इसमें दिन ब दिन जो है हमारे पास टेक्नोलॉजीज ज़्यादा आ रहे हैं, तो ई चालानिंग की हमारे पास अगले महीने में, शायद 1-2 महीने में वो भी इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। हम स्टिकर चालान हमारे ट्रैफिक वाले भी दे देते हैं। तो इसके अलावा कुछ 2-3 मैसेजेस मैं यहाँ पे देना चाहूँगा।
क्योंकि अभी शादी का दौरान चल रहा है हर जगह, तो हम चाहते हैं कि ट्रैफिक की कुछ फॉल्ट्स जो है हमारे पब्लिक को इस प्लेटफॉर्म के द्वारा दिया जाए। तो आपने देखा होगा कि हम हमेशा शादी के जो मॉक में जो पार्किंग लाइट्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, जो ब्लिंकिंग लाइट्स होते हैं, वो जो पार्किंग लाइट्स है वो उसको उस गाड़ी को इस्तेमाल करने के लिए दिया है। जो गाड़ी जो है कई जगह सुनसान सड़क में ख़राब होगी तो इंडिकेशन के लिए, ताकि आने वाले गाड़ियों को सूचना मिले कि आगे जाके आपको एक ख़राब गाड़ी मिलेगी, ताकि आप चौकन्ना हो जाए। मगर यहाँ पे आपको शादी और प्रोसेशंस में ये इंडिकेटर ज़्यादा, ये पार्किंग इंडिकेटर ज़्यादा देखने को मिलता है। और सेकंडली एक दूसरा कॉमन मिस्टेक यहाँ पे ये भी है नबी साहब, जो हम साइड इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं तो हम हमेशा इसलिए करते हैं कि गाड़ी जो पीछे से आता है उसको आप जाने के लिए छोड़ देते हैं, वो बिल्कुल नहीं है। आप साइड इंडिकेटर का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब आपकी गाड़ी जो है ना राइट टर्न या लेफ़्ट टर्न करना है, इससे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। और तीसरी बात मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि गाड़ी के अंदर एक वार्निंग, एक ट्रायंगल होता है, हर गाड़ी में होता है, मगर वो गाड़ी का जो ट्रायंगल है वो घर में कहीं दीवार पे सजाने के लिए रखता है। ये गाड़ी का ट्रायंगल आपको इसलिए दिया गया हुआ है ताकि आपकी गाड़ी दूर दराज इलाके में ख़राब हो जाती है नेशनल हाईवे पे, तो वो ट्रायंगल जो है आपको रोड पे दर्शाना है, ताकि दूर से गाड़ियों को ये सूचना मिले कि भाई एक गाड़ी ख़राब पड़ी है, तो हमको थोड़ा सा चौकन्ना होके चलना है। हमारे यहाँ पे पत्थर और लकड़ी रखते हैं रोड पे, और जाते जाते वो पत्थर और लकड़ी भी नहीं हटाते हैं, वो वहाँ पे रख के जाते हैं, जो एक्सीडेंट का बहुत बड़ा एक कारण बनते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा ये तीन चीज़ें जो है अगर आप इससे स्टार्ट करेंगे तो हमारी रोड सेफ्टी में एक बड़ा रोल आप अदा कर सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया वेरी मच। आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मैं साथ ही साथ में जो है आप सबों से गुजारिश करता हूँ कि खादिम साहब के साथ जो है सब मिल के इस मौके को जो है हम क्या कहेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, यादगार बनाएं इस मौके को जो है, तो इस गाड़ी का गुजारिश करें। इंशाल्लाह ताला जो लेने वाले कस्टमर्स हैं उनके लिए भी अच्छा हो और मेरे लिए भी अच्छा हो।